नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टॉफ्ड ग्रीन चिली पकोड़ा बनाएंगे, यानी कि बड़े साइज के भरवा हरी मिर्च पकोड़ा बनाएंगे। ये वाला मिर्च मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बड़े टुकड़े अदरक और दो हरी मिर्च। इसे आप कूट के रख लीजिए। आप प्लीज़ वीडियो की एंड तक इसे ज़रूर देखिए। अभी हम तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू लेंगे और उसे अच्छी तरह से मसल कर रखेंगे। मैंने पहले से पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म कर दिया है। अभी 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए भूनेंगे। अभी हम कूटी हुई अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के क्रश की हुई धनिया। अब फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। अभी डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। आप चाट मसाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें मैश की हुई आलू को डाल देंगे। अभी मैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ और इसके साथ साथ ब्लैक सल्ट 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ब्लैक सल्ट इसमें ज़रूर डालें। मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए इन सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए, मसाला पूरी तरह से आलू के साथ मिक्स हो चुकी है। अभी हमारा स्टफिंग पूरी तरह से तैयार है। अभी चलिए पकोड़े का बैटर तैयार करते हैं। एक बड़े बाउल में 1 कटोरी भर के बेसन डाल देंगे। इसमें कलौंजी 1 टीस्पून और अजवाइन 1/2 टीस्पून डाल दीजिए। अजवाइन के जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। अभी डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अभी डाल दीजिए बैटर के अनुसार नमक, यानी कि बैटर में जितना नमक चाहिए होगा उतना ही आप डाल दीजिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी आप इसमें पानी डाल दीजिए। हमें मीडियम कंसिस्टेंसी के बैटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो आप पानी डालते वक्त थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर मिर्च रख दिया है और स्टफिंग भी तैयार है। अभी हाथ में एक मिर्च लेंगे और इसमें कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसकी बीज को हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये वाली मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इस तरह से हम सभी मिर्च में कट लगा लेंगे। आप हाथ में एक मिर्च ले लीजिए और इसके अंदर स्टफिंग को अच्छी तरह से भर लीजिए। मैंने स्पून से भर रही हूँ, आप अगर चाहते हैं तो हाथ से भी भर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 मिर्च मैंने भर ली है। इस तरह से आप सभी मिर्च में स्टफिंग भर लीजिए। अभी हम मिर्च का पकौड़ा तलेंगे। क्योंकि मिर्च थोड़ी लंबी है, तो मैंने 2 तरीका अपनाई है बैटर में डुबोने का। एक ग्लास लेंगे, इसमें बैटर को डालेंगे।
पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, बस थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। अभी हम प्यान में तेल डाल के अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर ऊपर आ रहा है तो ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अभी मिर्च को ग्लास के अंदर जो बैटर है उसमें डुबोएंगे। बैटर मिर्च के चारों तरफ लग जानी चाहिए। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी मिर्च को पैन में डाल दीजिए। इस तरह से हम एक एक मिर्च को ग्लास में डिप करेंगे और प्यान में डाल देंगे। ये देखिए अभी मिर्च का एक तरफ हो चुका है। अभी हम इन्हें पलट देंगे। बस 2 मिनट पकने के बाद आप इन्हें पलट दीजिए। पहले हाई फ्लेम में आप इसे डालिए और बाद में 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इन्हें तल लीजिए। इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। देखिए अभी हमारा पकौड़े पूरी तरह से तलकर तैयार हो चुका है। अभी हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। अभी मैं मिर्च को डीप करने की दूसरी तरीका आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक लंबे मिर्च को मैंने 2 हिस्सा कर ली है और 1 हिस्सा अभी बैटर में डीप कर रही हूँ। बैटर को अभी मिर्च के ऊपर डालते हुए इसकी चारों तरफ लगा देना है। अगर आपको लगता है बैटर थोड़ा सा पतला है तो आपने थोड़ा बेसन डाल के इसे और थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैटर पतला होगा तो मिर्च के चारों तरफ अच्छी तरह से नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने और 3 मिर्च को भी तलकर तैयार कर ली है। देखिए भरवा मिर्च के पकोड़े अभी पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये पकोड़े बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो फिर इसे बनाइए और सर्दी में गर्मा गर्म मिर्च के पकोड़े की मजा लीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।